हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू इज़ैट 99 एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। एक और न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने वाला हूँ किस टाइप से आप लोग भी अपने शॉर्ट वीडियो को 4K क्वालिटी में YouTube में अपलोड कर सकते हो। मुझे आप सभी लोगों का काफी सारा कमेंट्स आ रहा था कि विज़ैट भाई 4K क्वालिटी में शॉर्ट वीडियो को अपलोड कैसे करे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को केयरफुली एंड तक अच्छे से वॉच करना, एंड चैनल पे न्यू आ रहे हो, पहली बार के लिए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप ऐसे ही क्वालिटी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं आप सभी लोगों का हेल्प करने के लिए। सो सब्सक्राइब करके हमारा भी हेल्प कर देना, एंड वीडियो को एक लाइक करना एंड एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो चलिए गाइज, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देखो, एक हाई क्वालिटी शॉर्ट वीडियो को बनाने के लिए आपको अपना शॉर्ट वीडियो को हाई क्वालिटी में ही रिकॉर्ड करना है। अगर आपको 4K क्वालिटी में अपना शॉर्ट वीडियो चाहिए तो 4K क्वालिटी में ही आपको अपने शॉर्ट वीडियो का जो क्लिप है उनको रिकॉर्ड करना होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि लो एंड डिवाइस में 4K क्वालिटी में तो रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। सो गाइस, 4K क्वालिटी में स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए आप लोगों को AZ स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन को यूज कर लेना है। इस एप्लीकेशन में आप लोग 4K रिकॉर्डिंग से लेकर इंटरनल साउंड को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर डाउनलोड कर लेना। सो गाइस, अभी बात करते हैं सेकेंड टिप के बारे में, जो कि है वीडियो एक्सपोर्टिंग। गाइस, आपके डिवाइस में आप जिस भी ऐप से एडिट करते हो वीडियो को, उस ऐप में हमेशा एक्सपोर्ट करते टाइम, वीडियो को एक्सपोर्ट करते टाइम आप लोगों को क्वालिटी को फुल रखना है। यानी कि अगर आपके डिवाइस में फुल HD सपोर्ट करता है तो आप लोग फुल HD में एक्सपोर्ट करो, या फिर अगर आपका 4K सपोर्ट करता है तो 4K में ही एक्सपोर्ट करो। ओके, एंड एक्सपोर्ट करते टाइम ऑलवेज आप लोगों को FPS के ऊपर ध्यान देना है। फ्रेम रेट पर सेकेंड को आप लोगों को ऑलवेज 60 रखना है, इससे वीडियो का क्वालिटी स्मूथ आता है। ठीक है, थर्ड टिप में हम लोग यूज करने वाले हैं एक एप्लीकेशन जिसका नाम है Meitu। सो गाइस, चलिए Meitu एप्लीकेशन को ओपन करके आप लोगों को दिखाते हैं आपको क्या करना है। सो गाइस, Meitu एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप लोगों को वीडियो एडिटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है, एंड आप लोगों को अपना वीडियो को यहां पर ऐड कर लेना है। मैंने मेरा ही एक सब्सक्राइबर का वीडियो यहां पर ऐड किया है, आप लोग देख सकते हो। अभी गाइस, हम लोग इसका क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए एडिट वाले आइकॉन के ऊपर क्लिक करके इमेज क्वालिटी के ऊपर हम लोगों को क्लिक करना होगा, एंड यहां पर कंफर्म करने के बाद गाइस यहां पर प्रोसेसिंग होगा। ठीक है, देख सकते हो प्रोसेस हो रहा है, एंड प्रोसेसिंग होने के बाद गाइस हमारा वीडियो का क्वालिटी पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इतना काम करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। अभी लास्ट टिप के बारे में बात करते हैं गाइस, जो कि YouTube सेटिंग्स। अब देखो गाइस, यहाँ पर मैं जो YouTube सेटिंग आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, इस सेटिंग को ऑन करने के बाद आप लोगों का डेटा कंजम्पशन बढ़ जाएगा। यानी कि YouTube, एक YouTube वीडियो को देखने में अगर आपका 5 MB खर्च होता था, वहीं पर आपको एक वीडियो देखने में 10 MB खर्च होने वाला है। लेकिन गाइस, इस सेटिंग का एक फ़ायदा ये है कि आप लोग हाई क्वालिटी में वीडियो को देख पाओगे। सो गाइस, इस सेटिंग को ऑन करने के लिए आप लोगों को YouTube एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है, एंड सेटिंग में जाना है। उसके बाद आप लोगों को वीडियो क्वालिटी प्रेफरेंस में जाना है, एंड वीडियो क्वालिटी ऑन मोबाइल को हाई पिक्चर क्वालिटी पर सिलेक्ट कर लेना है। गाइस, ये था कुछ टिप्स जिसको यूज करके आप लोग भी हाई क्वालिटी में अपना शॉर्ट वीडियो को अपलोड कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा।